आप कनाडा में थे वहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट है और स्विस जो मैन है वो भी कोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, तो आपको वेदर रिलेटेड एडवांटेजेस तो थे राइट, वो सिमिलर टाइप ऑफ वेदर है राइट. लेकिन पाकिस्तान में लेट्स सी कि अगर कोई बहावलपुर के एरिया में कोई ट्रेनिंग कर रहा है वो हॉट सीजन है एंड देन ऑल ऑफ सडन इफ दे हैव टू गो टू द माउंटेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे जाके उनको कम्पीट करना पड़े, तो ये जो वेदर चैलेंजेस होंगे वेदर रिलेटेड चैलेंजेस इसको ओवरकम किया जा सकता है इस तरह के इवेंट्स में? जी फर्स्ट ऑफ ऑल स्विस मैन के केस में ये जो रेस है ना इट्स नोन एज a race for all seasons because इसमें आपको समर भी मिलता है और बिकॉज यू नो आप 200 मीटर सी लेवल पे और 30 टू 33 डिग्रीज पे आप करते हैं. यस जो आपके सर्टेन एल्प्स पे आप जाते हैं वहाँ पे यू आर सराउंडेड बाई ग्लेशियर्स बट वहाँ पे भी यू नो 15 डिग्री तक हो जाता है. स्विस मैन के केस में weather definitely plays a role but not as much as the terrain. Terrain is you know jo uski intensity hai. It was hard for me to train even in Canada or if I would have been elsewhere. Agar average athlete train karta hai first kare bike ke gear pe 10-12 pe, so I was training at 16-17, so wo aapki jo push aur jo momentum hai na, so I had to harden my core taaki main एक्सपीरियंस करूं कि जी इंक्लाइन के वक्त कितनी आपकी स्ट्रेंथ चाहिए. वन और टू आपका जो क्वेश्चन है ऑफ एक्लेमेटाइजेशन इट्स क्रिटिकल. मैं सुबह 4:30 बजे भी उठ के रनिंग के लिए जाता था. लॉन्ग डे यू नो हार्ड कमिटमेंट्स बोथ पर्सनल प्रोफेशनल बट डिस्पाइट दैट मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. और वेदर वाइज डेफिनेटली कनाडा में एडवांटेज है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बिकॉज मैं अभी कराची इस्लामाबाद और लाहौर में आई बिन यू नो रनिंग एंड ट्रेनिंग आइदर अर्ली मॉर्निंग और इन दी लेट आफ्टर और इवनिंग. सो इट्स हार्ड आई एडमिट. ठीक है अगर मैं एवरेज आराम से 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ इधर जो है साथ में भाग लूँ तो यू नो इट्स नॉट ईजी. बट एक चीज़ है कि अगर आप सुबह सुबह उठें देखें एक और चीज़ सुबह सुबह उठें ना 4:30 फजर के बाद आप जाके अगर भागना चाहें आपको वेदर वोंट इम्पैक्ट. जहाँ तक साइकिलिंग है डेज आप स्विच कर सकते हैं चाहे आज आपने भागें कल आप साइकिलिंग करें और आपको ये कोई चीज़ I agree it's a negative right jo apne kaha it's negative how do you convert that into a positive right. and that's another thing I learned ke isko aap circumstances ko apne favor mein kis tarah se use kare to aap yahan pe sham ko jaye theek hai aur aapne apna schedule bhi dekhna hai sham ko jayenge traffic hogi rush hoga bahut hi cheez nahi kar sakte but parks hain unko aap leverage kare ek aur cheez jo maine seekhi how to avoid injuries यू नो बिकॉज इट्स आपकी बॉडी एक मशीन की तरह ट्रेन हो रही है लोगों की कुछ की कैपेबिलिटी नहीं होती है और सम पीपल डू इट द रॉन्ग वे आई एम नॉट शोइंग दैट आई एम डिड इट द राइट वे ऑफकोर्स यू नो देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बट आई वॉज लकी इनफ टू अवॉइड एनी मेजर इंजरी. तो मैंने ACL अपना डैमेज किया हुआ है बट उसके अलावा आई थिंक बिल्कुल हो सकता है इधर जो आपको एफर्ट है ना ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट स्पेशली जुलाई एंड अगस्त में. ठीक है ना बट अदरवाइज इट्स मैनेजेबल. एक और क्वेश्चन सॉरी टू एक और क्वेश्चन मुझसे एक डिस्कशन पे किसी साहब ने पूछा कि जी अगर आप पाकिस्तानी होते तो क्या आप ये अचीव कर सकते हैं एंड आई वॉज ऑनेस्ट. एक तो ये कि आई वुडंट हैव बीन अवेयर. ठीक है ना तो मैंने कहा कि अगर मैं होता इधर और मुझे पता ही ना होता तो ऑफ कोर्स आई वुडंट हैव अचीव्ड इट बट आई थिंक इट्स मैटर ऑफ एक्सपोजर टाइम रिसोर्सेज और आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं टू योर एडवांटेज.